मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं खाना चाहती हूँ। फजी अभी भी आराम कर रही है। यह शोर कैसा है? दादी, ऐसा लगता है कि मेरी प्यारी पोती मदद के लिए बुला रही है। मैं आ रही हूँ। मुझे बर्गर बहुत पसंद है और फ्राइज। यह किस तरह का शोर है? भाई, मेरी बहन को मेरी मदद की जरूरत है। बर्गर इंतजार करेंगे। ओह, एक और मास्टरपीस तैयार है। वो आवाज क्या है? मुझे लगता है यह बेबी केट है। शेफ, सुपर शेफ बचाव में आ रहा है। क्या हुआ बेटी? तुम्हें क्या हुआ है? मुझे भूख लगी है। प्लीज ध्यान दो, सबसे पहले मैं एक जूसी स्टेक खाना चाहती हूँ। एकदम आसान है, मैं यह करूँगी। कोई बात नहीं, मैं सबसे स्वादिष्ट स्टेक पकाऊंगा और सबसे तेज भी। हम इसके बारे में देखेंगे। शेफ ने पहले ही शुरू कर लिया है तो मैं पीछे नहीं रहूँगा। वह वहाँ क्या कर रहा है? बटर, यह इससे आसान नहीं हो सकता। मैं इसे बिना देखे भी डाल सकता हूँ। सावधान बेटे। दादी, मुझे माफ करना, तुम खाना के साथ खेल नहीं सकते। और वे क्या पकाएंगे? सिर्फ मैं हूँ। अपने महान कौशल के साथ मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। मैं भी वह कर सकता हूँ, मुझे बस स्टेक को ऊंचा फेंकना है। ओह, मैं पकड़ना भूल गया। बेटा, तुम्हें थोड़ा और सावधान रहना होगा। देखो, ध्यान से स्टेक को पैन में डालें, इसे पलट दे और हमें एक सुनहरा क्रस्ट मिलता है। मेरी क्रस्ट तुमसे भी ज्यादा सुनहरी है। चलो दूसरी कोशिश। लॉन्च। मीट कहाँ गया? इस बार भी मिस हो गया। ओह, पूरा मीट गंदा हो गया। क्या इसे खाना संभव है? मुझे पता है, यदि मैं स्टेक के ऊपर केचप डालता हूँ तो गंदगी दिखाई नहीं देगी। बिल्कुल सही। हाँ बेटा, तुम कोई शेफ नहीं हो। हालांकि यह देखो, मेरा स्टेक एकदम परफेक्ट है। केवल काली मिर्च और रोजमेरी की टहनी से इसे सजाना बाकी है। देखो। नहीं नहीं दादी, आप प्लेट सजाने के बारे में कुछ नहीं जानती। सोना, गोल्डन स्टेक से ज्यादा फूल क्या हो सकता है? कुछ नहीं, क्योंकि मैंने इसे पकाया है। और अब थोड़ा नमक और यह तैयार हो गया। ठीक है, चलो खाते हैं। यह क्या है? क्या तुम मुझे जहर देने की कोशिश कर रहे हो? एलेक्स, यह क्या है? मैं इसे बिल्कुल नहीं खाने वाली हूँ। और यह स्टेक स्वादिष्ट लग रहा है। चलो खाती हूँ। बहुत बढ़िया। आखिरी वाला रह गया है। वाह, क्या यह सोना है? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। सच कहूँ तो इसका स्वाद मैं इसे खत्म नहीं करना चाहती। और यह हमारा विनर है। वाह, क्या मैं जीत गई? वाह, तो आगे क्या है? और अब ये डिजर्ट का समय है। मुझे क्रोसेंट चाहिए। और तुम्हारी इच्छा पूरी करना आसान है। मुझे उम्मीद है कि इस बार मैं जीत सकता हूँ। और दादी भी यह बना रही है। उनके पास एक बचा है। आप इसे मुझे क्यों नहीं दे देती? धन्यवाद, धन्यवाद। बस केवल क्रोसेंट को ओवन में रखना बाकी है और अब यह लगभग तैयार है। ओह नहीं, यह मेरे लिए नहीं है। असली प्रोफेशनल आधे पके हुए चीजों का उपयोग नहीं करते हैं, केवल ताजा चीजें। दो गूंधो। लगभग हो गया। और हम इसे रोल आउट करते हैं। अब सिर्फ तेल को लगाना बचा है। हाँ, इस तरह से। और अब इसे काटना है ताकि क्रोशन पूरी तरह से शेप में आ जाए। और अब हम इसे ओवन में डालते हैं। वाह, कूल। ओह कूल। वाह दादी, क्या आपके पास इस समय न्यूटेला है? और आप चुप हैं? ये मेरे क्रोशेंट के लिए एक बढ़िया चीज है। मुझे ये बहुत पसंद है। क्रोशेंट को निकालने का समय हो गया। देरी मत करो बेटे, नहीं तो वे जल जाएंगे। और वह गंध कैसी है? हाँ, यह सच है। अरे नहीं, मेरे क्रोशेंट जल गए। ओह, अब ये सिर्फ कोयला ही बाकी रह गया है। केट को निश्चित रूप से यह पसंद नहीं आएगा। इतना परेशान मत हो, तुम फिर से जीत जाओगे।
नहीं, यहाँ केवल एक विनर है और वह मैं हूँ। और यहाँ मेरे चैंपियन क्रोसेंट है। केवल उन्हें खूबसूरती से सजाना बाकी है। व्हिप क्रीम और बेरीज जोड़े और थोड़ा पाउडर, मीठा पाउडर, और तैयार। चलो देखती हूँ। ओह, कुछ चले हुए चीज। एलेक्स, क्या तुम मुझे फिर से जहर देने की कोशिश कर रहे हो? किसी हाल में नहीं। तो ये क्रोसन काफी स्वादिष्ट लग रहे हैं। चलो खाती हूँ। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है, बहुत सुंदर। वाह, कितना खूबसूरत, बस बढ़िया। ये निश्चित रूप से एक विनर है। आखिरकार मैं जीत गया। ध्यान दो प्लीज, मैं एक और डिजर्ट को मना नहीं करूंगी। पैनकेक्स, आसान। दादी, सो मच। मैंने क्या मिस किया? पैनकेक्स, यह बहुत आसान है। मुझे बैटर को ठीक से हिलाने की जरूरत है ताकि कोई लंप्स ना हो। बैटर एकदम सही है। इसका मतलब है कि पैनकेक्स अच्छे निकलेंगे। और यहाँ पहला है, पहले से ही तैयार। मुझे ये पसंद है। अब मैं नहीं जानता, बैटर बैटर की तरह है, इसमें क्या खास है? लेकिन मैं इसे खास बना सकता हूँ। मैं डाइस जोड़ूंगा और मुझे दुनिया में सबसे रंगीन पैनकेक्स मिलेंगे। वाह, महान आइडिया। हाँ, पहला पैनकेक तैयार है। अभी भी कुछ सेंकना बाकी है। एक, दो, तीन, बढ़िया। और निश्चित रूप से मैपल सिरप के बिना नहीं। ये अच्छा लग रहा है। मुझे अपने पैनकेक्स को किसी तरह सजाने की जरूरत है। मुझे पता है, मार्शमेलो पेस्ट काम करेगा। ढक्कन को हटा दो। कितना स्वादिष्ट है। हाँ, ये मेरे जीतने वाले पैनकेक्स पर परफेक्ट है। और आप स्प्रिंकल्स, सुपर। अच्छा काम बेटा। खैर नहीं, मैं अपनी जीत छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरे पास एक सीक्रेट नुस्खा है। पहले अंडा, फिर ग्रीन और सॉसेज, बस और क्या चाहिए? और बेकन और पोस्ट अंडा। परफेक्ट पैनकेक्स तैयार है। चलो खाती हूँ। मैं इनके साथ शुरू करूंगी। कितनी अच्छी सुगंध है और स्वाद भी। इन पैनकेक्स के बारे में क्या? ये बहुत मजेदार और रंगीन है। हाँ, यह भी स्वादिष्ट है। और यह क्या है? मुझे उन्हें एक मौका देने की जरूरत है। हालांकि नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। और हमारे पास एक विनर है। हाँ, मैं जीत गया, सुपर। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। क्या तुम आइसक्रीम बना सकते हो? शेफ कुछ भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और इस बार मुझे सबसे अच्छी और सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम मिलेगी। इसके लिए केक को ठीक से तोड़ने की जरूरत है। वाह, एक बार और हो गया। ब्रेकिंग इसके लायक नहीं है। ओह बेटा, सावधान, मुझे आंख में लगी। ओह माफ करना। ओह देखो, शेफ पूरे जोड़ों में वहाँ खाना पका रहा है। जब तक तुम लोग बातें कर रहे हो, मैं दुनिया के सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम पूरी तरह से तैयार कर रहा हूँ। मैं लेमन जेस्ट और स्ट्रॉबेरी के एक जोड़े को जोड़ूंगा। और अब चलो कुछ दिलचस्प करते हैं। हाँ, ताराम, तैयार। वाह, बादल की तरह, जादू, असली जादू। लुक्स इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मुख्य बात स्वाद है। और मुझे यकीन है कि मेरी आइसक्रीम सबसे स्वादिष्ट होगी, क्योंकि मैं हमेशा प्यार से खाना बनाती हूँ। बस हो गया, तैयार हो गया। यह सब बकवास है। मीठा, स्वादिष्ट, यही मुझे आता है। इसलिए मुझे स्वीट्स और कुकीज के साथ आइसक्रीम को सजाने की जरूरत है। ओरियो, स्किटल्स, सुपर। और ऊपर से चॉकलेट टॉपिंग डाले, बढ़िया। क्या तुम इसे ज्यादा नहीं कर रहे हो बेटा? बस परफेक्ट है। चलो देखते हैं। वाह, यह क्या है? यह अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या यह स्वादिष्ट है? क्या यह पुदीना है? मैं इसे दूर हटा रही हूँ। नहीं, मिंट के बिना भी यह उतना अच्छा नहीं है।
क्या मैं यह खाकर देखूं? ये दिलचस्प लग रहा है। हाँ अच्छा है, दिख तो अच्छा रहा है। बुरा नहीं लेकिन अच्छा भी नहीं। और इसके बारे में क्या? यही मुझे चाहिए, मीठा और स्वादिष्ट। हाँ मैंने तुमसे कहा था मीठा और स्वादिष्ट। चलो कुछ आसान से शुरू करें। मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है। आसानी से यह हो जाएगा। मैं सिर्फ खाना बनाना सीखना चाहता था। जब तक हर कोई आलू छील रहा है मैं कुछ अच्छा पकाऊंगा। वैसे बहुत ज्यादा तेल जैसा कभी कुछ नहीं होता है। खैर लगभग तेल उबल गया है, जिसका मतलब है कि वहाँ फ्रेंच फ्राइज को तैयार स्लाइसेस डालने का समय हो गया है। नहीं रुक जाओ, ये छींटे गरम, बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम लगभग उबलते तेल से जलने वाले थे। तेल को पूरी सावधानी से डालना चाहिए, फिर आलू को समान रूप से फ्राई करो। इस तरह से डालना चाहिए, देखो। ओके। तारा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्रेंच फ्राइज तैयार है। जोड़ने के लिए केवल थोड़ी सी सॉस बची है। हाँ फ्राइज। मेरी राय में ये एक साधारण तला हुआ आलू है, इसलिए मैंने असली फ्रेंच फ्राइज बनाया। लेकिन यह सब नहीं है, अब मैं साधारण आलू से एक वास्तविक डेलिकेसी बनाने जा रही हूँ। मुझे बेकन, ग्रेवी और जाहिर है मीठे रोजमेरी की आवश्यकता होगी। हाँ इस तरह से, ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और स्वाद भी अच्छा होगा। ठीक है मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। गमी आलू का उपयोग क्यों ना करें? ये कहते हैं कि यदि आप इसे स्ट्रॉबेरी सिरप में डुबोते हैं ये और भी स्वादिष्ट होगा। आहा, मैं बीच वाले फ्राइज के साथ खाना शुरू करूंगी। दादी ये बहुत अच्छा है। ओह छी, मैं रोजमेरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे खेद है मैडम शेफ, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया। लेकिन मैं एक गमी आलू के आइडिया की सराहना करती हूँ। भाई तुम अच्छा कर रहे हो, ये बहुत स्वादिष्ट है। अब पता नहीं विनर किसे चुनूं। हाँ दादी इस दौर को जीतती है। इस बार काम ज्यादा मुश्किल है, आपको सुशी पकाने की जरूरत है। यह हो जाएगा सबसे अच्छा नुस्खे के अनुसार। सुशी यह क्या होता है? सब अच्छे से नुस्खे के अनुसार होगा। सुशी यह क्या होता है? हाँ गांव में कोई नहीं जानता कि सुशी क्या है। ऐसा क्यों है? मैं सुशी बना लूंगी। साधारण सुशी बोरिंग है। सुशी विभिन्न कैंडी से बनाना अलग बात है, और सार क्रीम के बजाय अंदर स्वादिष्ट व्हिप क्रीम होगी। और बेशक हम चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूल सकते। यह बहुत ही सुंदर दिख रहा है, मैं इस गमी आई का भी उपयोग करूंगा। देखो यह कितना खूबसूरत लग रहा है, और यह चॉकलेट सिरप। दिलचस्प आइडिया, मैं भी बहुत जल्द सूची तैयार करूंगी। मुख्य बात शेफ के बाद बहुत सावधानी से दोहराना है, लेकिन अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो चलो देखें कि आप कितना बुरा सूची बनाती हो। मैं भी सॉस जोड़ सकती हूँ। वाह, मैंने कभी एवोकाडो नहीं देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात सब कुछ अच्छे से मोड़ना है, जो आप दादी निश्चित रूप से सफल नहीं होंगी। ताड़ाम, परफेक्ट सुशी लगभग तैयार है। उफ, कितना डरावना है, मुझे नहीं लगा था कि मेरी सुशी इतनी बदसूरत होगी। यह सुशी को सैल्मन में लपेटने का समय है। मुख्य बात है मछली मोटा नहीं हो। इसे अच्छे से टुकड़ों में काट ले, और हमें सोया सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मछली तुम कहती हो, ठीक है यह हो जाएगा। मैं डालूंगी इसे। हो गया, मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट निकला। वाह शेफ, जाहिर है तुम्हारी सुशी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस भयानक चीज को अपनी पोती के सामने नहीं रख सकती, हमें कुछ करना होगा। ठीक है, सिर्फ खीरे के साथ सुशी क्यों नहीं बनाते? यह स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों होगा। मैं इसे अच्छे से स्कूप करूंगी।
घिनौना। ऐसा क्यों? खीरा सुशी के लिए एक अच्छा इंग्रेडिएंट है, मुझे बस इसमें और चावल डालने की जरूरत है। मैं इसे अच्छे से भर देती हूँ और अब इसे अच्छे से स्लाइस में काट लेती हूँ। पाराम, देखो कितना सुंदर है। यह क्या है? मैंने कभी खीरे और चावल सुशी नहीं देखी है। इसमें मछली भी नहीं है। नहीं, मैं इस सामान को खाना नहीं चाहती, लेकिन मैं खुशी के साथ मीठी सुशी को खा सकती हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आखिरी डिश बची है और मैं इसे खाकर देखती हूँ। ओह वाह, यह हुई ना बात, असली सुशी। मैडम शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ, मुझे यह पता था। मुझे आशा है कि तुम में से सभी एक वॉफल बना सकते हो। मैंने सुना है कि मुझे एक अंडे से शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे उससे कोई समस्या नहीं होगी। या आटा जोड़ने का समय है। अब पैकेट खोला और डालता हूँ। मुझे नाक में खुजली हो रही है। अच्छी। ओह, तुम्हारा वाफल देखने लायक होगा। कोई बात नहीं, यह फ्लोर मेरे लिए एक स्वादिष्ट वाफल बनाने के लिए काफी है। मुझे बस सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। हाँ, यह तैयार हो गया। अब मेरा तैयार बैटर एक वाफल आयरन में डाला जा सकता है। ये मेरी बहन के जीवन में सबसे स्वादिष्ट वाफल होंगे। बैटर बहुत स्वादिष्ट निकला और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना अंडे के। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा वाफल बना देगा। सभी ने चीनी डाली है, लेकिन मुझे पता है कि चीनी हानिकारक है, तो इसके बजाय मैं एक पूरा पका हुआ कद्दू जोड़ूंगी और मैं इससे बैटर बनाऊंगी। इसे घिस लिया और अब इसमें अंडा मिलाया। हाँ, ये अच्छा है। और अब थोड़ी सी मैदा और इन सबको अच्छे से मिला देना है, इस तरह से। ओह, ये बहुत खराब लग रहा है। लेकिन ऐसा बैटर तुम्हारी तुलना में बहुत हेल्दी है। अब मैं इसे वॉफल आयरन में डाल सकती हूँ। हाँ, यह ठीक है। अब थोड़ा इंतजार करना है। ओह, ऐसा लगता है कि वॉफल थोड़ा जल गया है। गरम। ओह, यह बहुत गरम लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको अच्छी चीजों के साथ छिपा सकता हूँ। व्हिप क्रीम, बेरीज और चॉकलेट सिरप के साथ। हाँ, अब यह बढ़िया लिख रहा है। और मैं पारंपरिक रूप से अपने वॉफल पर मैपल सिरप डालूंगी और मक्खन का एक टुकड़ा भी, जरूरत से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। और मैं हेल्दी हर्ब्स के साथ अपने पहले से हेल्दी वॉफल को सजाऊंगी। चलो खाते हैं। ओह भाई, तुम्हारा वॉफल बहुत ओवर कुक्ड है, मैं वो नहीं खा पाऊंगी। और इन वॉफल्स का स्वाद घास और कद्दू की तरह क्यों है? मुझे उससे नफरत है। छी। दादी, लेकिन आपने बहुत ही स्वादिष्ट वॉफल्स बनाए हैं। आप इस दौर में जीतती हैं। हुर्रे! अंत में मैं एक स्वादिष्ट कॉफी पीना चाहती हूँ। यह हो जाएगा। मैं एक शानदार आइडिया के साथ आया हूँ। गर्म कॉफी बोरिंग है, आज कोल्ड कॉफी यानी फ्रैपचिनो फैशन में है। मुझे एक बड़े जार में ज्यादा से ज्यादा बर्फ डालना होगा, फिर उससे स्वादिष्ट चॉकलेट सिरप डालूंगा। और बेशक हमें कॉफी को नहीं भूलना चाहिए। मेरे पास यहाँ स्टारबक्स है।
और ट्विक्स चॉकलेट का एक कॉकटेल निश्चित रूप से इसे स्वादिष्ट बना देगा। मैं इसे अब मिक्स करता हूँ और दूध के बजाय इसी का इस्तेमाल करूँगा। मुझे लगता है कि मैं एक और क्लासिक कॉफी बनाऊंगी। मेरी पोती को यह बहुत पसंद आएगा। अंत में व्हिप क्रीम और कुछ चॉकलेट कैंडी मिलाना होगा। ओरियो कुकीज, कैंडी बार, बेशक हमें स्ट्रॉ को नहीं भूलना चाहिए। खैर, अब कॉफी बनाने की बारी मेरी है। मैं असली कॉफी बनाऊंगी। वेंडिंग मशीन की मदद से मैं कॉफी बीन्स की सही क्वांटिटी लूंगी और खुद उसे ग्राइंड करूंगी, जिससे जितनी जरूरत हो उतनी ही कॉफी मुझे मिले। हाँ, अब तक तो सब बढ़िया चल रहा है। अब मैं इसे डालती हूँ और इसके ऊपर से उबलता हुआ पानी डालूंगी। हाँ, अब तक सब बढ़िया चल रहा है। कॉफी के लिए दूध और इसे मैं खुद ही मिलाऊंगी। इसे अच्छे से फेंटना है, इस तरह से। हमें कैसे सर्व करना चाहिए इन नियमों को नहीं भूलना है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। दादी, मैं इस कॉफी को हमेशा पहचानती हूँ और मैं आज यह कहना चाहूंगी कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये पैकेट का है। पहला मग ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कड़वा। आखिरी मग चखना बाकी है। ये सच्ची में अच्छा है। भाई, तुम इस दौर में जीत गए। ये आखिरकार। पारारा को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें कि आप आज के कौन से डिशेस को ट्राई करना चाहेंगे।